दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में हमेशा हर बार इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट की ये जो महारत ही है इनकी वर्थ देख लो, 10,940 crore dollars, बेटा डॉलर्स लगे होंगे पीछे, ध्यान रखना इतनी वर्थ है इनकी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 जब 11 की एज के थे तब शुरू किया था। 1965 में ये बर्कशायर हैथवे जो इनकी खुद की अभी कंपनी है लेकिन 1965 में तो नहीं थी, उन्होंने उसका शेयर $15 में खरीदा था, $15 में। आज उसका शेयर $4 लाख है, एक शेयर की कीमत $4 लाख। भाई साहब 70 से मल्टीप्लाई करो, कसम से कह रहा हूं जीरो भर जाएगी तुम्हारी कॉपी, इतने जीरो लगेंगे पीछे। इंडिया के वॉरेन बफेट, और ये कोई ऐसे नहीं था जो बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है? राकेश झुनझुनवाला। नेटवर्थ कितनी है? $430 crore में बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया इन्होंने? 1900 वैसे कहते हैं इन्होंने 5,000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट तभी इन्होंने शुरू किया था, 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ तीन महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था? ₹43 का। वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143 का। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे? 2.25 लाख, और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो जाए, कोई नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, ₹3 का एक शेयर टाइटन का। वो शेयर आज ₹1,500 का हो गया। उन्होंने तब कितने खरीदे थे? 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे, 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, ₹3 का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ साढ़े चार साढ़े 4,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं।